अजीब सी दुनिया है, मृत्यु लोग इसे कहते हैं। भक्ति करते करते दुखी सब रहते हैं। कभी सूरज को पानी दिया, कभी व्रत उपवास किया। जिंदगी भर अपनी मर्जी से चले, फिर अंत समय आया तो जाते जाते भगवान को दोष दिया कि भगवान तूने सुख नहीं दिया, भगवान तूने सुख नहीं दिया। आइए आपको इस रहस्य से भी अवगत करवाएं कि भगवान ने सुख क्यों नहीं दिया। हर धर्म, हर गुरु, हर पंथ तपस्या, मेडिटेशन और मूर्ति पूजा करता और करवाता है, लेकिन वर्तमान में अपनी रोजी रोटी की दौड़ में लगे इंसान के लिए तपस्या या मेडिटेशन क्या संभव है? आप खुद समझदार हैं कि ये संभव नहीं है। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि कानाकरण ऋषि ने तो 22 लाख वर्ष तक तपस्या की, प्रियावर्त ने 11 अरब वर्ष तक तप किया तथा अन्य भी बड़े बड़े ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों तक तप किया, लेकिन फिर उन्हें तप के बदले राज मिल जाएगा। राज में राजा ऐसे घटिया कर्म कर बैठता है कि फिर टिट फॉर टैट होगा, यानी उन्हें नर्क और 84 लाख योनियों में जाना होगा, लेकिन ना तो मोक्ष मिलेगा और ना ही कार्य सिद्ध होंगे। सतगुरु जी बताना चाहते हैं कि कबीर साहिब की शरण में आना ही होगा और पूर्ण संत द्वारा बताई भक्ति विधि द्वारा 3 बार में दी गई भक्ति साधना करनी ही होगी, जिससे इस संसार में सुख मिलेगा, सब कार्य भी सिद्ध होंगे, दुख भी दूर होंगे और अंत में मोक्ष भी जरूर होगा।